तो फील गेम फैमिली एक खतरनाक जॉम्बी गेम जिसका नाम है डेज गॉन, उसके एपिसोड 6 में आप सभी का स्वागत है। और इन केस आपने एपिसोड 1 से लेकर 5 तक कोई भी एपिसोड मिस करा है तो ऐसी दिक्कत की कोई बात नहीं है, सारे एपिसोड्स के लिंक्स ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो कि उन एपिसोड्स को देख लो ताकि यहां तक की जितनी भी कहानी है ना आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आए। तो लास्ट एपिसोड में ना डीगन ने एक लड़की को जॉम्बीज और रिपर्स की गैंग से बचाया और वो उसे टकर के कैंप लेते आया, और उस लड़की को देखकर ना डीगन को अपनी वाइफ सारा की छोटी बहन की याद आ गई। और डीगन ने ये मन ही मन सोच लिया कि वो इस लड़की को कुछ भी नहीं होने देगा। प्लस इसके साथ साथ वो जो नीरो साइंटिस्ट था जिसके साथ सारा गई थी, जिसके बारे में हमें 2 एपिसोड पहले पता चला था, उसका नाम था ओब्रायन, तो डीगन अभी ना उसको खोजने जा रहा है क्योंकि अगर वो जिंदा है तो फिर सारा कैसे मर गई है, और हो सकता है कि ओब्रायन इन सारे सवालों का जवाब दे। तो अभी फिलहाल आज का पहला मिशन वही है कि ये जो नीरो रिसर्चर है ओब्रायन उसको ढूंढना है। और फील गेम फैमिली अगर आप लोग इसी तरह डेज गॉन के एपिसोड्स रेगुलर देखना चाहते हो तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस एक लाइक करना है और 5K लाइक्स का टारगेट इस वाली वीडियो में भी कंप्लीट करना है, और जैसे ही लाइक टारगेट कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट एपिसोड भी आ जाएगा। तो चलो फिर आज का गेम प्ले स्टार्ट किया जाए। तो कोई मिशन स्टार्ट करे उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि कोई न्यू गन खरीदनी चाहिए। नहीं, What do you want? तो टकर के पास एक और मिशन अवेलेबल है लेकिन वो मेन स्टोरी नहीं है ना, तो अभी तो फिलहाल उसको नहीं करेंगे। अभी भाई गन खरीदते दिखा यार, कौन कौन सी गन है तेरे पास? How you doing? What's happening? What do you need supplies, weapons? इसके पास ना बहुत अच्छी अच्छी गन्स है लेकिन दिक्कत वही है कि लेवल 2 का जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक वो गन्स मैं खरीद नहीं सकता। अभी सिर्फ लेवल 1 ही का ट्रस्ट है, यानी कि ना चाहते हुए भी टकर का साइड मिशन करना होगा। ओके, तो चलो कम से कम एमओ ही भर लेता हूं। Can I get anything else for you? Need anything else? Here you go. तो ज़ॉम्बीज़ को उड़ाने के लिए अच्छी खासी शॉपिंग कर ली, आगे बढ़ा जाए। Find me if you need anything else. See you around. एक काम करते हैं ना, देख लेते हैं यहाँ से कितनी दूर जाना है। It's a rifle, not a gun. अच्छा, ये लगता है कि कोपलैंड का मिशन है, तो अभी यानी कि नीरो रिसर्चर के पीछे नहीं जाना है, कोपलैंड के मिशन के बाद वो वाला मिशन है। ओके, तो अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव है ना कि जिस लोकेशन में मार्क किया है वहां जाना है। ठीक है, How's it going? अच्छा, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बहुत दिन से बोल रहे हो कि भाई बाइक अपग्रेड कर लो, तो आज ही के एपिसोड में बाइक अपग्रेड करेंगे। Jack used to say a lot of stupid shit. Deacon out. All right, let's go see what the hell Nero is up to. O'Brien, got some questions for you. तो लास्ट एपिसोड में डीकन को एक नीरो का रेडियो नहीं मिला था, तो उसी रेडियो पर अभी डीकन ने सुना ना कि कल ये लोग कहां पर आने वाले हैं अपना रिसर्च करने के लिए, तो नीरो सोल्जर से छुप कर जाना है ओब्रायन के पास। Man. Yes, yes. Always need your shit. Thanks, brother. Deacon out. Nice. बूजर कितना अच्छा दोस्त है, उसका हाथ जला हुआ है लेकिन डीकन के लिए सप्लाईज बना के रखता है, तो मोलोटोव ये सब ना बना के रखा होगा उसने, घर जाऊंगा ना तो उठा लिया जाएगा। This is Radio Free Oregon. She'll say we're free. Back during the American Revolution, when we were fighting for our freedoms, we gained the beautiful right to keep and bear arms. Right we used to protect ourselves, our families, our property. That is, until the ever-growing federal government got scared of the people they swore to protect. Over the years, they stripped us of every gun like they could, using a few mass shootings and... Yep, not in the mood. मैं पहले सोच रहा था ना कि कोपलैंड कुछ अच्छी कहानी बताएगा, इसीलिए मैं इसकी बात सुन भी लेता था। अब ये कुछ भी कोपलैंड बकवास करेगा ना रेडियो में, इसका मैं डायरेक्ट स्किप कर दूंगा, कुछ काम की बात करेगा तभी सुना जाएगा वरना डायरेक्ट स्किप।
ये ज़ॉम्बी भेड़िया ना झाड़ के अंदर छुपा हुआ था। वो तो अच्छा हो भाई मैंने मैप में देख लिया। तो अभी मेन मिशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, 1.2 किलोमीटर पे मेन मिशन है। लेकिन क्या करूं, रास्ते में ये लोग ऐसे दिख जाते हैं ना। प्लस की पेट्रोल भी भरना ही है बाइक में, अभी तो फिलहाल है, लेकिन फिर भी ना नजर रखो, अगर पेट्रोल मिल गया तो भर ही लिया जाएगा। तो याद है ना, इसमें रात के टाइम में ज़ॉम्बीज़ ठंड की वजह से और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ये पता नहीं क्या केस है, ज़ॉम्बीज़ हमला कर रहे आदमी पे, उसको बचा लेता हूं। मेरी बाइक पे क्यों गिर रहा है? तीनों के तीनों, मां कसम मेरी बाइक पे गिर गए। ब्लास्ट होने वाली है क्या? कैसे तो बच गई मेरी बाइक, डैमेज कर दिया मेरी बाइक को। हट, इस पैसेंजर को ना कोपलैंड के कैंप भेजा जाए, क्योंकि वहां पर मुझे ट्रस्ट बढ़ाना है ताकि मैं अपनी बाइक अपग्रेड कर सकूं। At last. Finally. एक काम कर तो भाई, तू जा कोपलैंड के कैंप, क्योंकि यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ खत्म नहीं हो रहे हैं। I got this. Hang on. Hey, it's not safe out here in the shit. I know where there's a camp. Where? I'll go. इसको अगर टकर के कैंप पे भेजता हूँ ना तो सिर्फ पैसे मिलेंगे, ट्रस्ट नहीं मिलेगा। तो कोपलैंड के कैंप पर ही भेजने में ज्यादा फायदा है। Peaceful Lake, Mark Copeland. It's safe there. Thank you so much. I thought I was gonna die in there. Tell him it was St. John, Deacon. They know who I am. I just keep running, stay off the roads. तो अब मैंने सोच लिया है, किसी की मदद नहीं करूंगा, मैं कहीं नहीं रुकूंगा, डायरेक्ट अब मेन मिशन। वरना पता चला एक साल तक ये गेम खत्म ही नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली ढलान है तो बाइक ऑफ कर दो, अपने आप नीचे चली जाएगी, पेट्रोल बचेगा। जल्दी से यहां से पेट्रोल भरता हूं और कल्टी होता हूं, क्योंकि यहां पे ज़ॉम्बीज बहुत हैं। ओए, बाइक ऑफ थी भाई मेरी, बच गया मैं। इनको थोड़ा छेड़ा जाए, एक बार तो बनता है, इनको थोड़ा लालच दिया जाए। आने दो, क्या भूखे दरिंदे जैसे आ रहे हैं, निकला जाए। देखो मैं तो भाई अब डायरेक्ट मेन मिशन में रुकूंगा, लेकिन ये अलग बात है कि अगर कोई मुझे मार दे तब कुछ नहीं कहा जा सकता है। सोचो अगर मैं बीच में जाऊं और टनल को दोनों तरफ से ज़ॉम्बीज़ घेर लें, ऐसे भी होने के चांसेस हैं, तब तो भाई फाइट करना होगा, फिर और तो कुछ कर नहीं सकते। ये कोपलैंड ने कहां बुलाया भाई, जंगल के अंदर मारने के लिए बुलाया है क्या? ऐसे लगभग पहुंच ही गए। जैसे ही ज़ॉम्बीज़ दिखे बाइक तुरंत स्टार्ट कर ली भाई। सोचो उस टाइम पे अगर स्टार्ट नहीं हो तो आहा, मजा ही आ जाए। भाई इसमें मिशन ना बहुत दूर दूर रहता है, आज ना पक्का नाइट्रस लगवा ही लेते हैं ताकि जाने में आसानी हो। चलो अच्छा ही है कि दिन के टाइम में मिशन है, क्योंकि दिन में भले ही ज्यादा ज़ॉम्बीज रहें लेकिन वो कमजोर रहते हैं। So, you want to learn how to hunt? Is that what I'm hearing? I know how to shoot a gun. It's a rifle.
not a gun. I was in the 10th Mountain, Cope. Don't give me any Marine Corps bullshit. Killing a buck's a little different than killing a man. Or a freak. Copeland shikar karna sikha raha hai. Best way to hunt an animal is to track it. You gotta focus. And see what nature's trying to tell you. If you look hard enough, you'll see the signs. तो कोपलैंड भाई साहब बता रहे हैं कि शिकार करने का पहला नियम है कि एनिमल को ट्रैक करो और ध्यान से देखो कि नेचर तुमसे क्या कहना चाहता है। और डीकन बोल रहा था कि मुझे राइफल चलाना आता है, ठीक है कोपलैंड। तो कोपलैंड बोलता है कि ज़ॉम्बीज और आदमी को मारने से ना बहुत अलग है एनिमल का शिकार करना। तो अभी फिलहाल मुझे उसी की ट्रेनिंग देगा ये, ओके। तो इस डियर के पैरों के निशान को ना फॉलो करना है, ठीक है। मुझे दूरी से डियर की पॉटी नजर आ गई है। हाँ, well, okay then. Look hard. See this pile of deer scat? It's fresh. Yeah, I see it. तो कोपलैंड बता रहा है कि डियर की ये फ्रेश पॉटी है, इसको देखो ध्यान से। Really this way. Yeah, I can see that. Well, come on, man. बस बस सुबह सुबह यही देखना बाकी रह गया था ना डीकन, ऐसे डियर नजर आ गया है। Quick, there's your buck. I see him. Now here, use my rifle. If you were in the 10th mountain, you know how to use a scope. तो कोपलैंड अपना राइफल दे रहा है, तो देना भाई। मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, एक बार और करके देखते हैं। हाँ दे, अब राइफल दे। Yeah, Cope, I know how to use a scope. डीकन ने इसको बोल दिया कि मुझे स्कोप यूज करना आता है, समझा? Easy, easy. I got this. Got it. Nice shot. तो अब उसका खून निकलेगा और ऑब्वियसली उसको और फॉलो करना पड़ेगा। ये मुझे बता रहे हैं कि एनिमल्स को ट्रैक कैसे करना है इसमें। ओके, तो सर्वाइवल गेम है ना, यानी कि जिंदा रहने के लिए एनिमल का भी शिकार करना पड़ेगा। प्लस कि मुझे लग रहा है कि एनिमल का शिकार करके ना उसको मतलब कैंप पे भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो अब ब्लड के निशान देखकर उसको फॉलो करना है। Oh, God damn it, it wasn't a kill shot. He got away. No, that's okay. You wounded him. He'll bleed out soon enough. We just gotta track him. Okay. तो कोपलैंड ने बोला ना कि डियर घायल हो गया है, बस अब मरने ही वाला है और अब तुम्हें उसकी बॉडी ढूंढनी है। See the blood spots? Look close. Yeah, I see him. तो इस खून के निशान को फॉलो करना है। Then follow him. On it. He'll be slowing down about now. Losing too much blood. We should be coming across his carcass anytime now. कोपलैंड बोल रहा है ना कि उसका बहुत ज्यादा खून निकल गया होगा अब तक तो, और उसकी लाश बस अब मिलने ही वाली होगी। Okay, you know how to gut an animal? Yeah, look. Cope, Boozer and I have been hunting before. He used to go elk hunting with his old man, and yeah, he showed me how to gut a deer. Well, let's just say, no disrespect to Boozer, but you've got a lot to learn. You're wasting a lot of meat there. Overall, not bad for a beginner. Yeah, thanks. डीकन इसको बता रहा था कि बूजर ने मुझे शिकार करना सिखाया है। तो कोपलैंड बोलता है कि अभी तुम्हारा और सीखना बाकी है। Now, I'll take back that rifle. Here, thanks. Like I said, Deke, we can always use more venison at the camp. Still got some folks trying to heal up from that ripper attack. Okay, Cope. Yeah, I'll see if I can. Remember that. तो कोपलैंड बोल रहा है कि तुम मेरे कैंप पे और शिकार करके ला सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम जो रिपर ने अटैक किया था ना, बहुत सारे लोग अभी भी रिकवर कर रहे हैं, तो उन्हें खाने की जरूरत है। तो अच्छी बात ये है ना कि कोपलैंड के कैंप पे आ चुके हैं, तो बाइक अपग्रेड कर ली जाए। Hope says you've been helping out around the camp. He won't say it, but he appreciates it. What's up, Manny? Your bike could use an upgrade. अच्छा, बाइक का लुक भी चेंज कर सकते हैं। ओके, कितना महंगा होगा? मेरे पास ऐसे 2900 है। ये तब अनलॉक होगा जब लेवल 2 का ट्रस्ट होगा। ये गलत बात है। अब मैं आया हूं तो बाइक तो अपग्रेड करके जाऊंगा। $100 की ये घटिया हेडलाइट, मेरी वाली ठीक है भाई।
नाइट्रस के साथ कम से कम पेंट करवाएंगे तो बाइक ऐसे भी अलग दिखेगी। नहीं, कौन सा कलर किया जाए, बहुत सारे कलर्स हैं। पिंक नहीं नहीं नहीं, पिंक नहीं, कुछ डेडली टाइप का कलर होना चाहिए। ब्लैक तो नहीं, ब्लैक बहुत हो गया ना, थोड़ा सा ब्राउन रखे क्या, ब्राउन बाइक भी अच्छी लगती है। Oh yeah, that's a good piece. ऐसे ना आप लोग कमेंट करके भी अपना फेवरेट कलर बता सकते हो, जिस कलर की बाइक रखूं, क्योंकि सिर्फ $10 में पेंट होता है तो दिक्कत नहीं है। ओके ओके, डिजाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई एक अच्छा डिजाइन नजर नहीं आ रहा है मुझे, सब बेकार लग रहे हैं भाई, बाइक खराब कर देंगे। नहीं, हल्का कुछ रख सकता हूं, ये तो लग रहा है बच्चों ने पेंट कर दिया है। नहीं नहीं, ये सब नहीं, हटाओ, नॉर्मल ही रखते हैं। तो ये सब तो अभी लुक चेंज किया, अब मेन खर्चा होगा क्योंकि बाइक अपग्रेड करना है। सबसे पहले ऑब्वियसली नाइट्रस, तो बाइक की इंजन भी अपग्रेड कर सकते हैं ऐसे। स्टोरेज ओके, लेवल 2 होगा तब खुलेगा, बहुत अच्छा, इंजन अपग्रेड कर लिया जाए। तो बाइक पे तो अभी बहुत पैसे खर्चे हो गए। नहीं, अब गन्स के लिए पैसे जमा करने पड़ेंगे। ओके मैन, तो चलो देखते हैं कि सामने से बाइक कैसी दिख रही है। अच्छी दिख रही है। नो नो, आई कीप एन आई आउट फॉर मोर शिट। या यू गॉट समथिंग टू से अबाउट इट? लेट्स सी, दैट'ल होल्ड। तो ब्रायन और उसकी टीम ना आज ही आने वाली है, तो उसी के पीछे मुझे जाना है अभी। ओके, how's it going, booze man? Fine, damn it. Hey, Dave, we've been low on supplies. Give you some more meat if you get a chance. Shit, okay. Guess it's been a while since we did any hunting. I'll see if I can scare up some meat while I'm out. You, remember what you're doing? Yeah, I had Cope give you a few pointers. Believe it or not. Cope? Shit, I don't believe it. Thanks, Dave. See you, booze man. तो बूजर बता रहा है कि खाने की कमी हो रही है, इसलिए अभी शिकार करके लाना होगा बूजर के लिए। This is Radio Free Oregon. The truth shall set you free. Yeah, Cope, not today. Not in the mood for your truth or bullshit. अच्छा, बूजर बोल रहा था डीकन से कि बहुत टाइम हो गया शिकार किए हुए, तुमको याद है ना कैसे करना है? तो डीकन ने बोला कि तुमको यकीन नहीं होगा, कोपलैंड ने मुझे थोड़ा शिकार करने के बारे में और सिखाया। तो बूजर भी हंसने लगा, बोला सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और डीकन ने बोला कि डियर, बियर, वुल्फ, किसी का भी शिकार करके ला सकता हूँ, फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी ना दो मेन मिशन है, एक तो ओब्रायन का पीछा करना है और उसके बाद बूजर के लिए शिकार करके लाना है। ओके, ये वाले एरिया से तो मैं अक्सर जाता हूँ भाई, यहाँ पर कुछ ज्यादा ज़ॉम्बीज नहीं आ गए अचानक से? अच्छा, लौटते टाइम देखा जाएगा, फिलहाल तो मेन स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो ये याद रखना कि नीरो सोल्जर्स से मैं चाहकर भी फाइट नहीं कर सकता, मेरी गोलियां उनके ऊपर असर नहीं करेंगी उनके पावरफुल सूट की वजह से। इसलिए नीरो सोल्जर्स को हैंडल करने का एक ही तरीका है कि उनसे छुप कर रहो, अगर किसी ने भी देख लिया मिशन फेल, वहीं पे गोली मार देंगे। तो सारा जिसके साथ गई थी वही ओब्रायन है या फिर कोई और है, चलो देखते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने नीरो सोल्जर्स का मिशन किया था ना, तब रात का टाइम था और ये कुछ ज्यादा ही खुला हुआ एरिया नहीं है, गलती से भी किसी की नजर में नहीं आना है। Hey, Sarge, how about we make an unscheduled stop on our way back? A couple of sample trips I want to check. एक सोल्जर ने मुझे हल्का सा देख लिया है। Okay, doc. Lieutenant.
They'll become carrion yourself. Only animals can become carrion, Corporal, not humans. You guys checked the perimeter, right? Yeah, it's clear. तो ब्रायन सोल्जर से पूछा है कि चेक कर लिया ना, कोई है नहीं ना आसपास। ओब्रायन क्या जानता है कि डीकन बस यही छुपा हुआ है झाड़ के अंदर। ये वाले सोल्जर को ना हटाना होगा, तभी मैं आगे जा सकता हूँ। Damn it, so close. I heard something. Distance, I could not discern what was attracting the insects, but from the size of the swarm, recent carrion is indicated. Should be just over here. Damn it, where is it? Here it is. एक तो ये भी राज है कि नीरो 2 साल के बाद ज़ॉम्बीज़ के ऊपर क्या नया रिसर्च कर रहे हैं। Speculation as to Tabanus atratus is confirmed. Lots of rumors from this year about the episode. Carrion is still mostly intact and appears to be Corbulus minus or mule deer. Striation of the larger muscle mass is indicated. तो ब्रायन को अभी तक तो नहीं पता था, लेकिन अब पता चल जाएगा कि डीकन आ चुके हैं इसकी वाट लगाने। Look at this way, you poor son of a bitch. At least you weren't torn apart by freaks. If you lived a few more weeks, you might have become one yourself. Now would have happened something. अगर मरता नहीं ना तो कुछ दिन में ये डियर भी ज़ॉम्बी बन जाता, ऐसा ओब्रायन बोल रहा है। अब ये कांटेक्ट नहीं कर सकता अपने सोल्जर्स से। What do you want? Stay back. I just want to talk. Nero, Protocol 2-7 states clearly that if conducting operations in quarantine zones, if I encounter any civilians or civilians, that I'm forbidden from making contact. Really? See, that sounded to me like making contact. Yes. Yes, it did. You're alive. Yes, I am. How? How are you alive? What? I don't understand. Okay, you were there that night. Farewell. The next night, Nero Protocol 2-7 states everyone was dead. They were slaughtered, torn limb from goddamn limb. All right, listen up. We're gonna do this the easy way or the hard way. The easy way, we have a little chat. You give me the information that I need, and then you go back to digging your way through freaker shit or whatever the hell is you're doing out here. The hard way. I crack open that little space suit, and then we see what your friends out there have to say about you breathing in all this contaminated air. So what's it gonna be, O'Brien? Yes. Okay. Okay. Information देने के लिए तैयार है O'Brien. Okay. You remember the rooftop of the old brewery? I put a woman on your chopper. She was wounded. Yes. I remember a knife wound. She was cut pretty bad. I went to the refugee camp that you said you were taking her to. Everyone was dead. So I'm going to ask you again. How did you survive? We weren't there. We were diverted south to another camp. Like you said, the camp in Belknap was overrun, so they moved us south to a camp outside of Silver Lake. Were there survivors? You mean now? I don't know. I was transferred to the research unit. Did she survive? Oh, wait. I can find out. I can check. You have one of our radios. That's how you... I can't promise anything, but I'll check. Uh-huh, and I'm gonna go with you. No, you can't. Please, you don't... Hey, don't understand. I'll fucking shoot you. Not before I shoot you. Okay, look, if you're gonna fucking kill me, do it, okay? I did my job. Did that woman, your wife... I put her on oxygen, I gave her an IV. I kept her alive. I got in a lot of trouble for that. She was septic, she wasn't gonna make it, but I got her to the mass unit. I saved her goddamn life. O'Brien भड़क गया, बोल रहा है कि मैंने तुम्हारी बीवी की जान बचाई और तुम्हें मारना है तो मार दो तू। O'Brien, report. I have to go. Please, you have to get out of here. You don't know these men. You don't know O'Brien, what they're capable of. If I don't hear from you, I don't care how long it takes. I'm gonna track you down. And I'm gonna do a lot worse than snap off an antenna. I'm sorry about your wife.
But you're not the only one who lost someone that night. तो डीकन ने बोला कि तुम जिस लड़की के साथ गए थे जो घायल थी, उस कैंप में ज़ॉम्बीज के पूरे होर्ड ने हमला कर दिया था और सबको चीर फाड़ दिया था, तो तुम कैसे जिंदा बच गए? तो ब्रायन बता रहा है कि ज़ॉम्बीज के हमले की वजह से इन सबको कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया था। तो डीकन इसे पूछने लगा कि वो लड़की यानी कि सारा जिंदा है क्या? तो ब्रायन को फिलहाल तो नहीं पता है, लेकिन इसने बोला है कि ये इन्फॉर्मेशन पता करके मुझे बताएगा। और डीकन ने इसको धमकी भी दे दी है कि अगर रेडियो पे मुझे इन्फॉर्मेशन तुमने जल्दी नहीं दी तो इस बार जो तुम्हारे साथ मैं ढूंढ के करूंगा ना, तुम वो सोच भी नहीं सकते। तो ब्रायन ने जाते टाइम बोला ना कि सॉरी तुम्हारी वाइफ तुमसे अलग हो गई, लेकिन उस रात सिर्फ तुम नहीं थे जिसने किसी अपने को खोया है। अच्छा, ब्रायन ये भी बोल रहा था कि तुम इन लोगों को नहीं जानते, बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं। जब लास्ट एपिसोड में सारा को मरते हुए नहीं दिखाया, तभी मुझे लगा कि शायद सारा जिंदा है, और हो सकता है ना कि नीरो ने उसको पकड़ के रखा हो रिसर्च करने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी तो अभी देख ही लेंगे। दो स्किल पॉइंट है, क्या लिया जाए? नॉक्ड अप। क्रॉसबो में यूज नहीं कर रहा हूं अभी ना, मैं अपना राइफल रख के क्रॉसबो उठा लूंगा। जब फोकस मोड में रहूंगा तो रेंज वेपन वीकर एनिमीज को रोक सकती है, ये सही है। ठीक है, एक और पॉइंट बचा है मेरे पास। तो इस स्किल की मदद से ना, जब रेंज वेपन से फोकस मोड में मारूंगा तब एनिमीज के स्टंड होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, खंजर और गन एक साथ यूज करने का मौका मिलेगा, सही है। स्किल टीयर 4 अनलॉक हो गया है, लेकिन अब मेरे पास स्किल पॉइंट्स है नहीं, तो आगे बढ़ा जाए। तो अभी ना 4 और शिकार करने हैं बूजर के लिए। O'Brien, O'Brien, he's alive. How the hell is he alive? They were diverted south. He said that he put her on oxygen, he gave her an IV, he kept her alive. She was septic, so she wasn't gonna make it, but he got her to a MASH unit. He saved her life. He said it. He said he saved her life. She can still be. She. No. But O'Brien is alive. And if he is, then maybe. तो डीकन याद कर रहा है कि सारा के पेट में चाकू लगा हुआ था और उसका इन्फेक्शन बढ़ने लगा था, पर O'Brien जिंदा है और उसने बोला कि उसने सारा की जिंदगी बचाई है, तो शायद सारा जिंदा है। Yeah, Deke, you there? Who's man? A few days ago, I asked you if you remembered that Nero asshole, O'Brien. Yeah, Deke, it's all kind of a blur. Yeah, okay. Get some shut-eye, booze man. I'll tell you about it later. When are we riding out of here, Deke? Soon, Boozer. Real soon. Look, as soon as your arm heals, we're gonna be riding the hell out of here. तो डीकन ना बूजर से बोल रहा था कि अभी मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें O'Brien के बारे में बताया था, तुम्हें याद है? तो बूजर बेचारा इतना घायल है कि उसे अब कुछ याद भी नहीं आ रहा है। तो डीकन ने बूजर को बोला, भाई तू आराम ही कर। O'Brien, you out there, O'Brien? You son of a bitch, you better radio me. You hear me, O'Brien? You're on this channel. God damn it! You better get back to me, or I'm going to track you down. You got that? God damn it! Come on, O'Brien. Get in there. Can use this. एक और शिकार करना बाकी है, लेकिन पहले इनकी वाट लगाई जाए। I'll just take these. Deke, you there? Did you track down the chopper? Was it the same guy, the one we saw on the roof that night? Yeah, it was him. Remember us, Sarah? What happened? I don't know. They got diverted south. He remembered her, but he doesn't know what happened. बूजर को अभी थोड़ी देर पहले O'Brien के बारे में याद नहीं आ रहा था, और अब डीकन से पूछा है कि तुमने O'Brien को ढूंढा, वही O'Brien था क्या? तो डीकन ने बोला कि वो जानता नहीं कि अभी सारा कहाँ है। No, look, I'm not stupid, Boozer. I just want to find out, you know, what happened to her. Where she died. Hey, maybe you can finally, find some peace. I don't need to find any peace, Jesus, Boozer. I gotta go, all right? Deacon out. अच्छा, बूजर बोल रहा था ना, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि सारा जिंदा है? तो डीकन ने बोला कि नहीं बूजर, मैं बस जानना चाहता हूँ कि सारा के साथ हुआ क्या। तो बूजर बोलता है कि चलो ठीक है, तुम्हें ये पता चल जाएगा तो कम से कम शांति तो मिलेगी। डीकन बोलता है, अरे भाई शांति नहीं चाहिए मुझे। This is Radio Free Oregon.
The truth shall set you free. Nope, not in the mood. गेम बनाने वाले भी जानते थे कि कोपलैंड की बात में कोई इंटरेस्टेड नहीं, इसलिए स्किप करने का ऑप्शन दिया है। Could make something out of this. अच्छा, जब मैं इन ड्रिफ्टर्स की गैंग से अभी फाइट कर रहा था ना, तब डीकन अपने रेडियो पे ओब्रायन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ओब्रायन ने जवाब नहीं दिया। तो डीकन रेडियो पे बोल रहा था कि अगर ओब्रायन तुमने मुझे जल्दी जवाब नहीं ना दिया तो तुम्हें मैं खोज कर बहुत पीटूंगा, इसलिए जल्द से जल्द मुझसे कॉन्टेक्ट करो। अच्छा, जो एक और शिकार करना है वो 1.1 किलोमीटर पे क्यों है? इतने बड़े जंगल में अब कोई जानवर नहीं है। वाह, better than nothing. इसके लिए मुझे अपनी AR फेंकनी पड़ेगी और इसमें स्कोप भी नहीं है। कोई बात नहीं, हटाओ। Let's see. Can you use this? तो यहां से जो लूट सकते थे ना, फिलहाल तो लूट लिया है। अब वो जो लास्ट एनिमल बचा उसके पास चलते हैं। ये धुंध थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई भाई? इसी तरह मौसम रहा तो फिर आगे जाके मुझे नजर ही नहीं आएगा। तो ज़ॉम्बीज के होर्ड के ना करीब में दो तीन बार आ चुका हूं, लेकिन अभी तक एक बार भी फाइट नहीं करा है, क्योंकि अभी उस टाइप की गन्स ही नहीं है कि उतने बड़े होर्ड से फाइट कर सकूं। नहीं, कम से कम उस होर्ड में 150-200 रहते हैं ज़ॉम्बीज। तो मंजिल अच्छा खासा दूर है और रात भी हो रही है, ज़ॉम्बीज स्ट्रांग हो रहे हैं, प्लस अब धीरे धीरे नजर आना बंद हो रहा है मुझे आगे का रास्ता। यहां पर ना एक पेट्रोल का कैन भी है, अगर सारे ज़ॉम्बीज को मार दूं ना तो पेट्रोल उठा सकता हूं यहां से। चलो ठीक है, सबको निपटा दिया जाए, क्योंकि फिर जंगल में तो पेट्रोल मिलने से रहा। Good night. अच्छा, मैंने इतना एस्टिमेट नहीं किया था, कुछ ज्यादा ही ज़ॉम्बीज है भाई यहाँ पर। अभी के लिए तो ये वाला एरिया खाली कर दिया, पता नहीं कब तक खाली रहेगा। तो जिसके लिए इतनी गोलियां चलाई है वो भी काम कर ही लेते हैं। पेट्रोल भर लूं उसके बाद निकला जाए यहां से। Another micro recorder. One of these is going to explain what the hell you guys are doing out here. Agent Sinclair reporting. I'm at Corpse Disposal Site 13 Beta, supervising the unloading and disposal of cargo. Okay. You never get used to the smell, do you? Trains have been running nonstop, and all the current sites are almost to capacity. I've put in recs to open up more federal land, but the bean counters in DC have stopped turning my calls. Yes, they have more important business. Side note to Perkins. I was right, asshole. Yeah, I know we fucked up initially, plotting the site here instead of over at Site 13 Alpha, but it worked out, didn't it? You remember I had to argue my ass off to keep this site in our back pocket. I knew it was going to be bad, but no one believed me. I guess you all believe me now. Yeah, I believe you. Get out of my way!
किसी बेचारी रिसर्चर ने मरने से पहले ये सब रिकॉर्ड करके रखा था। इसमें अभी तक ये तो नहीं बताया गया कि ज़ॉम्बीज कैसे बने ये लोग, लेकिन आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि इसमें कहीं ना कहीं नीरो ही का हाथ है। मिनी मैप में दिखा तो रहा है। अरे ये क्या हुआ? अच्छा पेड़ से टकरा गया था क्या? तुरंत आ जाते हैं खाने के लिए। अरे रुक जाओ, सबर करो। टीगन भी आज चार शिकार से काम नहीं चला सकता था, पांचवा भी करना जरूरी है। ये पांचवा शिकार पता नहीं इतना दूर क्यों है। मैंने कुछ देर पहले ठीक ही बोला था, धुंध की वजह से अपना सही में नजर आना बंद हो गया आगे का, बेयरली दिख रहा है और ऊपर से ज़ॉम्बीज भी भरे हुए हैं यहाँ पर। अचानक से मेरे ऊपर कोई कूदा ना। अरे माँ कसम, देख रो ना, ऐसा भी मत करो यार, इतना भी रियल नहीं बनाना था। आधा अधूरा जो नजर आ रहा है, बस मैं आगे बढ़े जा रहा हूं भाई। किस्मत खराब हुई तो देख लेना आप लोग। मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि ऐसे मौसम में मतलब शिकार कैसे करूंगा। बाइक से अब धुआं निकल रहा है, इसको रिपेयर कर लेना चाहिए। It doesn't look too bad. That should do it. मैं पीछे पलट के भी नहीं देख रहा हूं, पता ही कि ज़ॉम्बीज़ हर तरफ है। मिनी मैप में देख लो ना एक बार, हर जगह लाली लाल है। Someone's trapped. I gotta help him. Okay. बचा लिया, उसके बाद भी चिल्लाता है। Hold on, hold on, I'm coming. You wanna die out here? Look, there's a camp. Camp? Where? Where? Show me. I'll go. तो इसको भी कोपलैंडी के कैंप भेज देता हूँ। Peaceful Lake, Mark Copeland. It's safe there. I was done for. Holy shit! You know? Thank you so much. Thank you so much. Oh man. Yeah, let them know it was deep in St. John. They know. Keep your head down and run. ये टकलीट ज़ॉम्बी अच्छा था, मेरी बात खत्म होने के इंतजार किया उसके बाद हमला किया। ज़ॉम्बीज में भी इंसानियत अभी भी बची हुई है, अच्छा लगा देखकर, आंसू निकल गए। अरे भाई 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 भाई, ये क्या था? इतने सारे एक साथ मरते मरते बचा मैं, और लंबी खाई होती मर जाता भाई। बोट था क्या वहां पर? पीछे करके वीडियो देखो, यहां पर होड है। ऐसा लग तो रहा है गलत जगह आ गया मैं शिकार करने, मेरा शिकार हो जाएगा। मुझे जानबूझ के यहाँ पे भेजा गया है मरने के लिए, मेरे पास उतनी गोलियां भी नहीं है। रास्ते में आते टाइम मैंने आधी गोलियां उड़ा दी। अच्छा वो ज़ॉम्बीज मेरे शिकार को दौड़ा रहे, ओ ये बात, ये लोग काट देंगे फिर वो शिकार काम का नहीं है, इनको रोकना पड़ेगा। यहाँ वापस आऊंगा मैं लेकिन गोलियां लेकर, फिलहाल यहां से निकला जाए, अच्छी जगह नहीं है भाई ये।
ये तो चिल्लर ज़ॉम्बीज़ की फौज है, ये होर्ड नहीं है। होर्ड में कम से कम 100-150 ज़ॉम्बीज़ एक साथ रहते हैं। तो ये जो अभी शिकार किया ना पांच, ये बूजर को ले जाके देना है घर पर। मुझे लगता नहीं कि ये गेम खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ज़ॉम्बीज खाली नहीं होने वाले जब तक कोई इलाज नहीं मिल जाए इनका, जो कि किसी ज़ॉम्बी गेम में मिलता नहीं है, तो इसमें भी नहीं मिलेगा। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, बूजर का हार्ट ठीक होगा तो ये दोनों निकल जाएंगे, और हो सकता है कि तब तक सारा भी वापस मिल जाए डीकन को। लेकिन देखते हैं अभी यस करने से क्या होगा। मैं सोच रहा हूँ ना कि टकर का भी साइड मिशन कर लिया जाए, ताकि उसका ट्रस्ट बढ़े और उसके पास से ना जो अच्छे अच्छे वेपन्स है ना वो सब फिर खरीद सकते हैं अपन। तो घर पहुंच गए, बूजर बहुत देर से कुछ बात नहीं कर रहा है, क्या बात है? बूजर को ले जाके दे देते हैं ये सब शिकार। बूजर ठीक हो रहा है या उसकी हालत और खराब हो रही है पता ही नहीं चल रहा है। ये कांप रहा है ना, कांप रहा है। Hey, booze man, I brought in some meat. Should keep us stocked up for a while. Hey, Deke, thanks, man. I'm not real hungry right now. I'll salt it up in a bit. तो डीकन लेते आया है मीट, लेकिन बूजर को अभी भूख नहीं लग रही। ओके, ठीक है, बाद में खा लेना भाई। बूजर को जिंदा रखना भी अपना मेन ऑब्जेक्टिव है, और सारा के बारे में पता लगाना वो भी मेन है। राइफल की ना गोलियां बहुत खत्म हो जाती है, राइफल रख के मैं क्रॉसबो ले लेता हूँ, अब उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। दोनों में से एक ही रख सकता हूँ, पता नहीं ये घटिया ऑप्शन है, लेकिन यही है जो है। ठीक है, तो फेल गेम फैमिली आज के गेम प्ले हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन एक चीज अभी बचा हुआ है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखो। तो इसके मेन मेन्यू में ना जो बाइक बनी रहती है, मेरी बाइक जिस टाइप की रहेगी ना, मेन मेन्यू में भी बाइक उसी टाइप की हो जाएगी। तो ये देख लो अभी, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर बनाया है नहीं। और फील गेम फैमिली, अगर आप लोग चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आए, तो जल्दी से लाइक करो, 5K लाइक्स कंप्लीट कर दो। और चलो मैं मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।